Hello friends, welcome to my channel Food Delicacy. आज हम बना रहे हैं मेरा बहुत ही स्पेशल रेसिपी मटन करी. I call it मटन करी only. हमने लिए है 750 ग्राम मटन और इसमें प्याज, तीन प्याज मैंने लिया है. ये है दही, खट्टी दही घर की, और ये पेस्ट है अदरक लहसुन और मिर्च की, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और आलू. तो ये हमारे आज के इंग्रेडिएंट्स हैं. लेट्स सी कैसे हम इसे कुक करेंगे. पहले तो मटन में हम सारी चीज़ें मिलाएंगे बारीक बारीक. तो मैंने दही डाल दिया. इसके बाद इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और मिर्च की पेस्ट. ये मैंने 2 चम्मच डाला. इसके बाद इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, साथ में डाल दिए धनिया पाउडर और इसके साथ ही जीरा पाउडर. ये हमने गरम मसाला भी मिला दिया और इसके साथ हम डालेंगे नमक और हल्दी बारी बारी. ये तो अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालेंगे. और इसे अच्छे से मिक्स करके करीबन 2 घंटा हम फ्रिज में रख देंगे. अच्छे से मैरिनेट हो जाए उसके बाद हम उसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे. ये रेसिपी मेरी सासू माँ का है. बहुत सिंपल है, आराम से पकता है. ये मटन बिल्कुल स्लो सिम में पकता रहेगा, फिर इसका कलर और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छे से आएगा. मिक्स करके रख दिया था. अब हम कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल. जब तेल गरम हो जाए अच्छी तरीके से तो हम इसमें डालेंगे आलू. पहले इसे फ्राई करके अच्छे से निकालेंगे. अच्छे से फ्राई करके रेड करके निकाल लेंगे. ये देखिए हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं. निकाल लिया हमने आलू. अब जो बची हुई तेल थी उसी में हमने तेज पत्ता डाला और जब तेज पत्ता अच्छे से जल गई तो हम इसमें प्याज डाल देंगे. प्याज डाल दिए और प्याज को अच्छे से लाल होने तक भूनेंगे. मेरा फ्लेम हाई ही है, मैंने इसे कम नहीं किया है. ये देखिए प्याज बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है, कलर अच्छी आ गई है प्याज की. तो हमने इसमें मारा मारने के मटन डाल दिया जिसे हमने मिक्स करके सेक लिया. सारे मसाले इसमें ही, हमें कुछ भी नहीं मिक्स करना है घर से. बस इसे अब मिला के अच्छी तरह से और ढक कर सिम में पकने देंगे. बीच बीच में इसे अनकवर करके हमें चेक करते रहेंगे ताकि मटन नीचे से लगे ना. देखिए मटन ने अपना पानी छोड़ा है काफ़ी, ये अपने पानी में ही सिम में धीरे धीरे पकेगा. मुझे ये कुक करने में लगभग 1 आवर 15 से 20 मिनट लगा था. देखिए धीरे धीरे ना मटन अपना कलर चेंज कर रहा है. आलू अभी भी उसी है. हमने फिर से हिला के
और वापस कवर चढ़ा के सिम में छोड़ दिया। ये देखिए मटन के कलर और ये ऊपर आ गया। अभी ये क्लियर हो जाएगा फिर आपको अच्छे से इसकी लुक आएगी। ये रहे अभी मटन के कलर देखिए, ये लगभग कुक हो चुका है। मैंने इसमें पानी दिया थोड़ा सा, जितनी भी ग्रेवी मुझे चाहिए थी मैंने उतनी पानी डाली थी और इसको हिलाकर हाई फ्लेम में थोड़ी देर रखूँगी। ये मैंने साथ में मटन के साथ खाने के लिए चावल बनाया था, इसमें मैंने सारे प्याज खीरा और दाले डाल के दही के साथ बनाया था। ये देखिए मटन हमारा रेडी। ये मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला लास्ट में मिक्स किया, 2 मिनट से उबलने देंगे और बस ये रेडी है। ये हमारा मटन रेडी है। आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी